अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो लिसन केयरफुली, देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स व्हिच अफेक्ट पीपल। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। इट इज़ ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन द रूरल atmosphere. Some of the important respiratory disorders are described next. So listen carefully. Bronchitis is an inflammation of bronchi and bronchioles. So simple. It results in excessive secretions of mucus into the tubules, leading to the swelling of tubular walls and narrowing of tubes. It is caused by viruses, bacteria, or exposure to the chemical irritants, therefore tobacco smoke. There are two major types of bronchitis, therefore acute and chronic. The acute bronchitis jo hota hai na, wo usually lasts about 2 weeks and patient recovers with no permanent damage. Aur jo chronic bronchitis hota hai, in chronic bronchitis develops chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years. So simple है, इतना कोई मतलब वो मतलब अजाब नहीं है, देख सकते हैं आप। अच्छा हाँ, जो ये होता है ना, ये bronchitis जो होता है वो ज़्यादातर tobacco smoke से भी ज़्यादा ना मतलब डैमेज करता है। causes जो इसमें आ जाते हैं वो है ना, वो tobacco smoke के भी होते हैं, और इसमें जो होता है ना बैक्टीरिया और वायरस से जिससे ये कॉज करता है उसमें एक्सपोजर, और हाँ एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट से भी हो जाता है ये, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना वो इसी लिए हो जाता है। तो हम इजीली हम कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन भी गिवन है कि जो सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस है ना वो कफ, मेल्ड, फीजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ट जॉब भी आ जाती है। ओके सो गाइज, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।